Closed doors, I'm a fool for your love. हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज हम आ चुके हैं इब्राहिम रोज़ा को, और थोड़ा सा मैं हिस्ट्री बोल देता हूँ इब्राहिम रोज़ा की। ये इब्राहिम रोज़ा इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पर इब्राहिम आदिल शाह, इसको बनाने वाले इब्राहिम आदिल शाह थे। ओके, तो आदिल शाह के ख़ानदान से थे, तो उन्होंने ये दोनों जो टोम्ब है उन्होंने ही बनाए थे। जब उनका इंतकाल, मतलब जब वो गुज़र गए, तो उनकी और उनकी बीवी की कब्र इधर ही है, तो तभी से मशहूर है कि इब्राहिम आदिल शाह के नाम से ही कि इब्राहिम रोज़ा बोल के। तो ये हैं वो दो बिल्डिंग, ये एक और ये एक। और इस बिल्डिंग को बनाने वाले आर्किटेक्ट जो हैं वो पर्शियन थे। इनका नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये पर्शियन थे। और ये जो है ये मेरा भांजा है। नाम क्या है तेरा? बहादुर रहमान। ये बहादुर रहमान है इसका नाम। इसके साथ आया हूँ मैं ये इब्राहिम रोज़ा देखने के लिए। गाइस ये जो आप देख रहे हैं ये इब्राहिम रोज़ा है, ठीक है। आज देखेंगे, ये मेरा भाई है, इसका नाम हैदर अली है। आज हम देखेंगे इब्राहिम रोज़ा अंदर से कैसा दिखता है। आपको यहाँ भी ऑनलाइन टिकट लेना पड़ेगा, ठीक है। ऑनलाइन आपको 20 रुपीज़ एक टिकट पड़ेगी, और पार्किंग के लिए पैसा भी नहीं, तो ये अच्छी बात है। इधर चलो एक बार अंदर के जाके, हाँ कोविड के लिए नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं अंदर जाके। ये है अंदर जाने का रास्ता। अभी हम इधर से आए थे और इधर जा रहे हैं। तो ये देखिए, ये है इब्राहिम रोज़ा। दो टॉम्ब है इधर, ये एक और ये एक, ठीक है। इसी को देखने के लिए हम जा रहे हैं। और खूबसूरत गार्डन भी है इधर, बहुत लोग आते हैं देखने के लिए। और ये जो नीचे आप देख रहे हैं, इधर से मतलब खुफिया रास्ता है बाहर जाने के लिए। ये पीछे वाले जो रूम दिख रहे हैं आपको, इसके अंदर इब्राहिम आदिल शाह और उनकी बीवी की कब्र है। और ये इधर प्यारा सा हाउस है पानी का, उसी ज़माने बना गया था। और दूसरा जो टॉम्ब है ये बेसिकली मस्जिद है, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं, डिज़ाइन मतलब कमाल का किया गया है, कारीगरी मतलब ऑन टॉप है। और कुरान की आयतें भी हर जगह लिखी गई हैं, इस खिड़की पर भी लिखी गई हैं, हर जगह। मतलब आप जहाँ पर भी देखोगे वहाँ पर आपको कुरान की आयतें दिखाई देंगी। और ये रहा उनके जो कब्र हैं आदिल शाह है उनके, तो ये सारी वो कब्र हैं। और अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। ये था अंदर का नज़ारा, और आप देख सकते हैं इवन डोर पर भी कुरान के आयतें और अल्लाह का नाम लिखा गया है। ये लकड़ी भी उसी ज़माने की है, विंडो के लिए उसी ज़माने में इसको लगाया गया था। और ये खूबसूरत नज़ारा आपको, और जो पीस ऑफ माइंड मिलता है यार आपको इधर आने के बाद, सही में ज़बरदस्त है।
और भी कई सारे कब्रें हैं इधर। उधर वो वाली मस्जिद है जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, हम मस्जिद भी जाएंगे, उधर भी दिखाऊंगा। तो ये सब कुछ कर रहा हूँ मैं, आपको इतना सब कुछ सारा दिखा रहा हूँ, तो इसके लिए यार सब्सक्राइब बनता है और लाइक बनता है एक। और आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने कॉन्टैक्ट्स, ओके, अपने फ्रेंड्स फैमिली जो भी हैं उनको शेयर कर दीजिए वीडियो। मस्जिद का मेंबर, और बहुत खूबसूरत दिख रही है मस्जिद ऊपर से भी, मतलब जो डिज़ाइन दिया गया है ऑन टॉप है यार, सही में ज़बरदस्त है भाई। उस वक्त इतने कम मतलब मटेरियल थे, फिर भी उन्होंने इतना सारा कुछ कर दिया। आज हमारे पास इतने बड़े बड़े मशीन्स हैं, हर चीज़ है, लेकिन एक बार बनाएंगे तो कुछ ही सालों में फिर टूट जाएंगे, ऐसा होता है। लेकिन देखिए उन लोगों ने जो बनाया था अभी तक है, यही नहीं और कई सारी चीज़ें हैं जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, वो सारी चीज़ें यार कितना मतलब महफूज हैं, अभी तक महफूज हैं। न जाने कितने मौसम बदल गए, कितना मतलब बारिश धूप सर्दी, बहुत कुछ आया यार इन इमारतों ने, फिर भी अपना दम नहीं तोड़ा। और इतनी खूबसूरती है इधर, बेस्ट। तो ऑल राइट गाइस, एक्चुअली मैं कल वीडियो एंड करना भूल गया था क्योंकि मैं थक गया था यार, बीजापुर से बादामी आते आते तो सो गया था, और अगले दिन उठकर ये वीडियो बना रहा हूँ, तो समझ सकते हो आप। और एक चीज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको इब्राहिम रोज़ा कैसा लगा, ठीक है। तो अगर आप लाइक करोगे ना यार, मुझे पता चलेगा कि आप मेरे वीडियोस इंटरेस्ट से देख रहे हैं, ठीक है। तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने सारे कॉन्टैक्ट्स के साथ। अब ये छोटा सा चैनल है, इसको बड़ा करना आपकी ज़िम्मेदारी है अभी, तो प्लीज़ यार इसको शेयर कर दीजिए और मेरा इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिए जो डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ मैं, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।